The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, दोस्तों हम बात कर रहे हैं autoimmune diseases की. Autoimmune diseases में जो हम जांच करते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम क्या आपके शरीर के किसी भी हिस्से को डैमेज कर रही है या नहीं, और कैसे कर रही है तो कहाँ कर रही है, और उसके क्या कोई साइन है, कोई लक्षण दिख रहे हैं हमें, उसके लिए फिर टेस्ट होंगे. टेस्ट में जो बेसिक टेस्ट है, जैसे हमने बताया CBC, ESR, HSCRP, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, वो सारे करे जाएंगे. और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे कि ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज. अब ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये एक जैसे हमने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज देखी हैं, सुनी है, वैसी हैं ये आपके बॉडी के जो मतलब ये न्यूक्लियस के खिलाफ एंटीबॉडीज है. मतलब आपका इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी के ऐसे एंटीबॉडीज हैं ये जो आपका इम्यून सिस्टम बना रहा है, जो आप ही की बॉडी के टिश्यूज को अटैक कर सकता है. समझ रहे हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, क्योंकि आपके सेल्स में हर सेल में न्यूक्लियस है. सो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज ये देखा जाता है कि आपके सेल यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके खिलाफ एंटीबॉडी है क्या आपके शरीर में. इससे अगर आपके शरीर में प्रेजेंट है और एक ज़्यादा लेवल पे है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये टेस्ट पॉजिटिव है. उसका मतलब यह है कि आपके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ की टेंडेंसी है, तो आपके अंदर कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा हो सकती है. एंड ANA पॉजिटिव आया तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के चांसेस हैं. ये भी ब्लड से टेस्ट किया जाता है, याद रखिए, और ब्लड से आपका जाँच होगा. अब यहाँ पर क्यों किया जाएगा ये टेस्ट, आपको किसी भी प्रकार की जैसे आर्थराइटिस, कोई रैश है, कोई छाती में दर्द है, कोई अनएक्सप्लेन्ड या फिर सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस जैसा सिम्टम है, तो फिर ये SLE कर टेस्ट किया जाएगा. किसी भी प्रकार का, मान लीजिए किसी को कहीं भी रैश है, बुखार आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड बुखार है, पता नहीं चल रहा क्या कारण है. मान लो किसी को कोई खुजली हो रही, कोई रैश हो रहा है, कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, पता नहीं चल रहा है इसका कारण, तो अगर ऑटोइम्यून डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये करा जाएगा. नॉर्मल कंडीशन में आपके अंदर ये ANA बहुत ही लो मात्रा में होना चाहिए, और लो मात्रा में होना, लो ANA इज नॉट इज नॉर्मल, नॉर्मल होना चाहिए. ठीक है, कि टाइटर लो होता है, मतलब इसका एक टाइटर होता है रिपोर्टेड 1:40 और 1:60. पॉजिटिव टाइटर का मतलब होता है जो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा टाइटर का मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर उतने ज़्यादा एंटीबॉडीज बन रहे हैं. अब अगर ये ANA पॉजिटिव है तो कई सारी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है. SLE ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिली गया तो पक्की बात है कि ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज है. याद रखिए, एबनॉर्मल रिजल्ट जो आएगा, एबनॉर्मल रिजल्ट कई बीमारियों में आ सकता है. ऑटोइम्यून डिजीज में, अब मैं बीमारियों के नाम गिना देता हूँ, इवन थायराइड की बीमारी में ऑटोइम्यून आ सकता है. ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, लिम्फोमास होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, मायोसाइटिस होता है, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस होता है, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर डिजीज होता है, जॉर्जियन सिंड्रोम होता है, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, राइट. इसके अलावा इन्फेक्शंस में भी बढ़ सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी, HIV, EB, एप्स्टीन बार वायरस और पार्वो वायरस, मतलब इतनी सारी चीज़ों में आपके अंदर ये आ सकता है. तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपके डॉक्टर को ये अंदाज़ा लगाना है कि इसमें से कुछ और के सिम्टम है या नहीं. याद रखिए, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट इन सारी बीमारियों के लिए एक काइंड ऑफ हेल्प करता है डायग्नोसिस में, कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है. तो अगर आपको बुखार है, फटीग, जॉइंट पेन, मसल पेन, रैश, कोई भी बटरफ्लाई टाइप रैश रहता है तो फिर आपका ये होगा. अगर
क्या ये टेस्ट कराने में कोई रिस्क है? ब्लड टेस्ट है, कोई खास रिस्क नहीं है, जैसा एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट का रिस्क होता है वैसा रिस्क है और कुछ नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है जहाँ पे सुई लगी वहाँ पे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो यू माइट हैव, ये तीन ही चीज़ें होती हैं राइट, या तो SLE होगा यानी ल्यूपस का इन्फेक्शन, या फिर ऑटोइम्यून डिजीज कोई और, या फिर वायरल इन्फेक्शन, इनमें से कोई ना कोई जो हमने बताया। अब पॉजिटिव का मतलब ज़रूरी नहीं है कि बीमारी, कुछ हेल्दी लोगों में भी ANA पॉजिटिव रह सकता है, कुछ दवाओं से पॉजिटिव रिजल्ट जैसा रिजल्ट आ सकता है। तो इसीलिए ये आपके डॉक्टर का काम है कि इसको स्क्रूटिनी करना कि आपका जो रिजल्ट है वैलिड है, कितना पॉजिटिव है कितना पॉजिटिव नहीं है। सो ये बेसिक है ऑटो इम्यून टेस्ट का, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट का। याद रखिए ऑटो इम्यून डिजीज़ अपने आप में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जो आपके खुद की इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को हार्म कर रही है। मोर देन 80 से ज़्यादा टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं और ये डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है डॉक्टरों के लिए, कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, पेशेंट के लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है कितनी सारी बीमारियों को रूल आउट कर करके, क्योंकि उनको अल्टीमेटली क्या होता है, हर बार मसल पेन हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, लेकिन कारण नहीं पता चल रहा, फीवर जैसा लो ग्रेड फीवर का कारण नहीं पता चल रहा। सो याद रखिए ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए अपने टेस्ट करवाइए, ANA, CRP, ESR, एक्सेट्रा 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 बहुत सारे टेस्ट हैं। सो इसके लिए अपने डॉक्टर से बात करिए, अगर कोई डाउट हो तो आपसे पूछिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच।